आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट में। तो देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, 260 का 29.8% धन 510 का 60.01% माइनस 103.57 का मान क्या होगा। विकल्प आपके सामने चारों लिखे हुए हैं, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 260 का 29.8% प्रतिशत धन 510 का 60.01% माइनस 103.57। इसको अगले चरण में हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 260 गुना 29.8% को लिख सकते हैं हम 29.8/100 धन 510 गुना 60.01 को हम लिख सकते हैं 60.01/100 माइनस 103.57। ठीक, हम ये देख पा रहे हैं कि ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा। ठीक, अगले चरण में 26 का गुना हम 29.8 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 774.80/10। ठीक है, इसी प्रकार 51 का गुणा अगर हम 60.01 में करेंगे तो ये आ जाएगा 3060.51/10 बटे 10। ठीक है, माइनस में 103.57। अगले चरण में इसको हल करते हैं, तो 774.8 का में अगर हम 10 का भाग देंगे तो 1 दशमलव जो है वो विस्थापित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 77.48 धन। इसी प्रकार 3060.51 का में अगर हम 10 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 306.051 माइनस 103.57। ठीक है, अगले चरण में 77.48 धन 306.051 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 383.531 माइनस 103.57। ठीक, अगले चरण में इसको हम हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 383 में से 0.531 में से 103.57 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 279.961 जो कि लगभग बराबर है 280 के। ठीक है, जो कि विकल्प संख्या 4 लिखा हुआ है, यही आपका उत्तर होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।